हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद पाठशाला में। आई होप आप सब सही होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। तो आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर दी है मैंने, स्टैटिक्स जी के, जो डेली बेस 20 क्वेश्चंस होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये 20 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 1 और पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अब आपको ये ऑप्शन देखने हैं और कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना अगर बात करूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगर मैं बता दूँ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और अगर इसका मुख्यालय बोलूँ तो इसको मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिन सुरक्षा परिषद इसका एक अंग होता है 6 में से, जिनके 15 सदस्य होते हैं और जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और बात उसी की कही गई है कि 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो अगर मैं बात कहूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएस। अगर बात कहूँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के द हेंग में स्थित है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा समान या संबंधित नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए है, और ऑप्शन देखूं मैं ए तो ऑप्शन ए है परमाणु या राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। या ऑप्शन डी केगा ऊर्जा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में नहीं है, यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात कहूँ कि इसकी स्थापना जो राजस्थान में जो रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन यह थर्ड है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। इसका अगर बात करूँ मैं इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। सदीर एक भरतनाट्यम का एक प्राचीन नाम है। अगर भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। वही बात कहूँ कि मोहिनी आइटम ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से संबंधित है। अगर ओडिसी अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ ये उड़ीसा से संबंधित है। और जो कथक है ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 4 की बात चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला है हमारी भारतीय संतोष यादव पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको पार कर चुकी है, उस पर फतेह हासिल कर चुकी है संतोष यादव। अगर बात कहूँ माउंट एवरेस्ट की, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई बात कहूँ तो 8848 मीटर ऊंची है। और ये किस देश में है, यह है नेपाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है क्यूटो मैदान किस देश में स्थित है। तो क्यूटो मैदान किस देश में स्थित है, तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। जापान में ही क्योटो मैदान स्थित है। बात करूँ जापान की, जापान जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा देश है जापान। और अगर जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा की बात करूँ तो इसकी मुद्रा है येन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो भी कथन दे रखा है इसको पढ़ के देखना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। ये ऑप्शन जहाँ तक की सही है। ऑप्शन बी देखते हैं कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, ये भी सही है, और 60 किलोग्राम तक का युद्ध सामग्री ले आने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका अगर बात करूँ तो राइट आंसर निम्नलिखित में तो कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी, कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो सही सुमेलित कीजिए, मतलब जो भी है इसका समान देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, या 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, या 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, या 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। अगर बात करूँ तो ऑप्शन ए की यही गलत है कि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इसको 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है दोस्तों, और जो बात करूँ तो ये 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस सही है, 23 दिसंबर को किसान दिवस ये भी सही है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये भी सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। रेणुका झील स्थित है, रेणुका झील स्थित है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। अगर इसकी सही आंसर की बात करूँ तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी बोलो तो शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और ये उत्तर भारत के राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, जो गुट निरपेक्ष एक आंदोलन जब हुआ था इनमें निम्नलिखित में कौन कौन से नेता शामिल थे, बस यही क्वेश्चन मैं बोल रहे हैं। अगर बात कहूँ तो गुट निरपेक्ष जैसे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बोलते हैं ऑप्शन ए मार्शल जोसेफ टीटो सॉरी ऑप्शन बी है करनाल नसीर, ऑप्शन सी है ABCD, या ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं इसके सही बात कहूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय मार्शल जोसेफ टीटो, करनाल नसीर और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों ही शामिल थे। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, अगर बात करूँ इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका और इस टाइम पे बताऊँ इस वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 है, और इसका मुख्यालय गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जो है ये है इंडोनेशिया के जकार्ता में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान, मतलब डायना मंदिर किस स्थान पर है, ये बोल सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन है काठमांडू, मक्का, बेथलेहम या ऑप्शन डी है इन्फेसिस। तो इसका सही आंसर बोलूँ, इसका सही आंसर है इन्फेसिस, डायना मंदिर इन्फेसिस में स्थित है। 11 नींद का अध्ययन कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नींद का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए है हिप्नोलॉजी, ऑप्शन बी है क्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन डी है ओर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी है क्रोनोलॉजी। अगर बात करें उसके आंसर की, इसका आंसर है नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी बोलते हैं, हिप्नो
लो जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, मतलब इसमें हमें मैचिंग करना है। सूची एक में लोक कला दे रखी है और सूची दो में राज्य दे रखे, मतलब किस राज्य में कौन सी लोक कला है देखना है। ऑप्शन ए मेहंदी, ऑप्शन बी अपना, अरिपन और चौकपूरन। अगर बात करूँ इसके ऑप्शन की, इसके ऑप्शन ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इसकी मैचिंग के क्या, मेहंदी मेहंदी राजस्थान से है और अपना पहाड़ी क्षेत्र से है ये भी, अरिपन ये बिहार से है और चौकपूरन ये उत्तर प्रदेश के हैं। अगर बात करूँ तो एक के साथ एक तो ऑप्शन ए ही है जो क्लियर आगे हमें दिख सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, मतलब एक कौन सा युग्म है जो सुमेलित समान है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण एक अग्रभाग का चिन्ह होता है जो कि परिवार नियोजन के लिए संबंधित है, परिवार नियोजन से संबंधित है। ऑप्शन बी है रेड क्रॉस, जो कि डॉक्टर सहायता से अस्पताल खतरा यातायात को रोकने में का चिन्ह है। और ऑप्शन बात करूँ ऑप्शन सी है हरा प्रकाश, ये रास्ता साफ सिग्नल है। रास्ता साफ सिग्नल मतलब ग्रीन सिग्नल है, आप चलते रहिए। तो अगर बात करूँ तो इसका सही आंसर है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें सभी युग्म सुमेलित है, यानी ऑप्शन डी सभी सुमेलित हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह। ठीक है, CTBT कब अस्तित्व में आया। CTBT होता है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर ट्रेट बैंड ट्रीट, ये कब अस्तित्व में आया। अगर मैं बात करूँ इसके अस्तित्व की, CTBT ये अस्तित्व में आया था 19 नवंबर, ये आया था 19 नवंबर 1996 को अस्तित्व में आया था। कब आया था, 19 नवंबर 1996 को अस्तित्व में आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। डाउ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी तिब्बत। अगर इसके सही आंसर की बात करूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तिब्बत। डाउ चेंग येडिंग एयरपोर्ट ये तिब्बत में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लास्ट सफ़र। 16 क्वेश्चन है लास्ट सफ़र, जो कि एक चित्रित है, किसने चित्रित किया था। लास्ट सफ़र का एक चित्र है जो किसने चित्रित किया था। ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी है पब्लो पिकासो या ऑप्शन डी है रेम ब्रांड। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो विंसी है जिसने लास्ट सफर चित्र को चित्रित किया था। अगर इन्होंने एक और चित्र चित्रित किया है, वो है मोनालिसा। मोनालिसा एक बहुत फेमस है जो कि, और मैं बता दूं ये लियोनार्डो दा विंसी ये इटली से संबंधित हैं। इन्होंने द लास्ट सफर और मोनालिसा दो चित्रित किए हैं लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऑप्शन ए उदयपुर मेला, ऑप्शन बी थार मेला, ऑप्शन सी कुंभ मेला या ऑप्शन डी पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में हर साल ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला है ये। और राजस्थान का ही अगर मैं बात कहूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और ये पुष्कर है, जहाँ 2.5 दिन का चोपड़ा और अजमेर शरीफ दरगाह भी यहीं स्थित है, और रेगिस्तान का जहाज को ही ऊँट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये सभी भाइयों को पता होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और बता दूँ जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये किसकी देन है? ये है फ्रांस की देन है अमेरिका को। ठीक है दोस्तों, अमेरिका को गिफ्ट की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी? राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो बात करूँ इसके सही आंसर की, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। और लास्ट क्वेश्चन है 20, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अगर बात करूँ मैं ऑप्शन की, ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली, या ऑप्शन डी है पेरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है ब्राज़ील में। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो या मेरी छोटी सी मेहनत, एक इनिशियल टाइम है मेरा ये वीडियो में, मुझे पता है एक गलती हो सकती है, बट आप इस चीज़ को इग्नोर करें और आप क्वेश्चंस देखें बस। और अगर आपको ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास, मेरा इनिशियल प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।